नमस्कार, मैं हूं दिवाकर, आप देख रहे हैं JNI न्यूज। नवनियुक्त क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा ने अपराधियों पर सख्त से निपटने, आगामी त्योहारों को लेकर COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी के प्रति जागरूक रहकर त्योहार मनाने की अपील की। आपको बता दें, आज तहसील आंवला के नवनियुक्त क्षेत्राधिकारी जो आगरा से स्थानांतरित होकर आंवला पहुँचे, काफी सरल मुद्रा में दिखे। उन्होंने बताया कि हम अपराधियों पर सख्ती शासन द्वारा जो उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं उसके अनुरूप कार्य करना, अतिक्रमण हटवाना, जन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण, पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाना हमारी प्राथमिकता होगी। आगामी त्योहारों को लेकर COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ हमारा जन संदेश रहेगा कि लोग घर पर ही रहकर शासन की गाइडलाइन के अनुसार त्योहार मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने जो इसके अनुरूप नहीं चलेंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चालान के प्रति मास्क का जागरूकता अभियान में तेजी लाने का विचार है। तहसील क्षेत्र में नशे के कारोबार की जगहों को चिन्हित करके उन पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। समाज में जन समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाएगा, उनके शीघ्र निस्तारण के लिए भी कार्य योजना बनाएंगे। चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए भी रात की गश्त में तेजी लाई जाएगी। आइए देखते हैं आलोक शर्मा की एक रिपोर्ट। सर, आपने अभी जो है आंवला में ज्वाइन किया हुआ है और काफी अपेक्षाएं हैं आपके लिए तहसील से, तो आपका किन मुद्दों पे अधिक जोर रहेगा? लोगों की जन शिकायतें जो आपका प्राथमिकता पर निस्तारण जी शासन द्वारा उच्च अधिकारी के जो निर्देश है उसके क्रम में कार्य करना, अपराधियों पर सख्ती, अतिक्रमण हटवाना और पुलिस की विजिबिलिटी, पीड़ित को न्याय, यही हमारी जरूरत है। कोरोना वैश्विक महामारी के तहत जो आगामी हमारे त्यौहार आ रहे हैं उसमें किस हिसाब से आपकी प्लानिंग रहेगी? हम लोगों को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मना कर रखें और मास्क लगा कर घर से बाहर निकलें, और जो लोग शासनादेश है जो बिना मास्क के लोग बाहर निकले उनकी हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी जो आपका चालान का मास्क के प्रति जागरूकता अभियान चल रहा है उसमें भी आप क्या तेजी लाने के विचार में है? हाँ, हम जगह जागरूक भी करेंगे लोगों को, इसमें तेजी लाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, जो इसका उल्लंघन करें उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जो आंवला तहसील में मुख्य अपराध है जो नशीली पदार्थों की, तो इस विषय में भी आपकी कोई नई गाइडलाइन? हम ऐसे लोगों को और ऐसे स्थानों को चिन्हित करेंगे जी, और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। ठीक है साहब, धन्यवाद।